सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि बहुत पीक टाइम चल रहा है आपका, नीट 2024 के रिमेनिंग 100 डेज बाकी हैं और आई होप आप सब बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत एक कॉमन क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा है कि सर आपके टाइम पे आपने जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी या किस कोचिंग के आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे पेपर देते थे, और हमें आप थोड़ा सा बताएं, डिस्क्राइब करें कि हमें कौन सी टेस्ट सीरीज देनी चाहिए इस पीक टाइम पे। और ये आपको भी पता है कि बिना एग्जाम बिना पेपर दिए हम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हमें कितनी अच्छी प्रिपरेशन हमारी चल रही है, कितनी बाकी है। सो इस सब पे अपन पूरी बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करंटली परस्यूइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्थी तेलंगाना। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि इस बार सिलेबस चेंज हो चुका है, और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज रिव्यू करी थी जो लास्ट ईयर की थी, जो इस साल की हैं। उनमें से कई टेस्ट सीरीज अभी भी ऐसी हैं जो ओल्ड पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, जिसके अंदर वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा हैं, असर्शन रीजन नहीं है, AR स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन नहीं है। तो कई टेस्ट सीरीज अभी भी ऐसी चल रही हैं और बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं देता। तो मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक, मोस्ट ऑथेंटिक जो आपको करनी चाहिए, जिससे आपको करने से 100% फ़ायदा होगा, 100% आपके स्कोर बूस्ट होगा और आपको एक प्रॉपर प्लानिंग समझ में आएगी कि हाँ मुझे इस वे में चलना है जिससे मेरे मार्क्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। प्रॉपर एनसीईआरटी बेस वाली टेस्ट सीरीज बताने वाला हूँ जो मैंने अभी रिव्यूज़ करी है, और जो मैंने अपने टाइम पे दी थी वही मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल आलतू फालतू कोई मैं ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं बताने वाला जिससे आपको नुकसान हो। उसका जुगाड़ भी देखेंगे, जिसके पास पैसे कम है या जिसके जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो कैसे जुगाड़ करके नीट का तैयारी कर सकते हैं, उन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं वाया टेलीग्राम एंड अदर और मेथड्स। ओके, सो सबसे पहली बात यह है कि आपको पेपर जो देने हैं टेस्ट सीरीज के, अब रिमेनिंग 100 डेज के अंदर कोशिश करो पेपर ऑफलाइन दो। आप पेपर ऑफलाइन देने की कोशिश करो। अगर आपके पास वो ऑनलाइन PDF फॉर्मेट में, तो आप उसे प्रिंट आउट निकलवा के ऑफलाइन पेपर दो। एक OMR शीट निकलवाओ, एक पेन पेपर मोड में बैठ के एग्जाम देने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। किस टाइम पे? 2 बजे के बाद, शाम के 2 बजे से 5:30। तो 3.5 आवर की आप प्लानिंग पूरी करके बैठो और कोशिश करो कि वीक के अंदर आप 2 पेपर कम से कम मिनिमम अब आपको देना स्टार्ट कर देना है। आपने लास्ट मंथ्स में दिए कि नहीं दिए डजंट मैटर एट ऑल। अब आपको मैटर करता है कि आप PYQs लगाओ। पहली चीज, PYQs लगाओ, नई जो भी टेस्ट सीरीज मैं बताऊं आप उनके पेपर निकालो और निकाल के उनको कोशिश करो कि आप पेन पेपर मोड पे बैठ के सॉल्व करो, ताकि एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट आपको मिलेगा जिससे आपको एक बूस्ट मिलेगा, आपका एक टाइम मैनेजमेंट कंट्रोल में आएगा कि हाँ यार इस टाइम में मैं इतना कर पा रहा हूँ। जब मैं आपको बताता हूँ रियली मैंने क्या किया था लास्ट, जब मैं अपना पेन पेपर मोड में पेपर घर पे बैठ के करता था, तो मैं एक अपना टाइमिंग बिठाता था कि भाई मुझे 40 मिनट्स में बायोलॉजी करनी है ना, एंड 45 मिनट्स के अंदर मुझे केमिस्ट्री करनी है, और फिर 45 मिनट्स के अंदर मुझे आपकी फिजिक्स करनी है। तो मैंने ऐसे टाइम पूरा सेट करा था और मैं कोशिश करता था कि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैं अपनी बायोलॉजी कंप्लीट करूं, ठीक है, और नहीं होती तो मैं उसको छोड़ के मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में चला जाता हूं, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्या होगा, आप एक ही सब्जेक्ट के अंदर फंस जाओगे। लास्ट ईयर नीट 2022 के अंदर क्या हुआ था कि जब मैंने एग्जाम दिया था उस समय क्या था, बायो लेंथी आई थी, तो कई बच्चे बायो की वजह से ही फंस गए, वो बायोलॉजी करते रह गए, उसमें 1.5 आवर लग गया उन सबको। इस वजह से कहीं ना कहीं मेरे कई फ्रेंड्स थे जो रह गए। तो आप ऐसी गलती नहीं करें, एक टाइम मैनेजमेंट बनाएं। आप पेन पेपर मोड में पेपर दोगे तो आपको वो चीज़ फील होगी, आप वो चीज़ समझोगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अपन फीचर्स ऑफ बेस्ट गुड टेस्ट सीरीज। कौन सी टेस्ट सीरीज सबसे बढ़िया है, जिसको मैंने अपन को फैक्टर्स जो मैंने देखे हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि पेपर जो है वो NCERT बेस्ड होना चाहिए। देखो, कई टेस्ट सीरीज ऐसी हैं आज भी मार्केट के अंदर जो आलतू फालतू क्वेश्चन, एम्स कैटेगरी क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस आते हैं, वो नहीं करने हैं, ठीक है। वो टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ और सिर्फ डीमोटिवेट करेगी, जिससे आपका और आपकी जो मेहनत है वो सारी बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसी टेस्ट सीरीज से बहुत दूर रहें। कोई आपको कहता है कि ये वाली टेस्ट सीरीज ले लो फ्री है, ये वाली टेस्ट सीरीज, नहीं, ऐसी कोई टेस्ट सीरीज मत करो जिससे आपका माइंड के अंदर एक डिफरेंट अप्रोच आए और आपका दिमाग खराब हो जाए कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ है, मेरे तो नंबर ही 200 आ रहे हैं, जबकि आपके नंबर 550-600 के करीब आने चाहिए। तो टेस्ट सीरीज बहुत मैटर करती है, इस टाइम पे आप कौन सी चूज करते हो, ठीक है। दूसरी चीज बताते हैं कि पेपर जो है वो NTA का लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बिकॉज एज यू ऑल नो दैट सिलेबस इज चेंज्ड। तो आपको कोशिश करो कि जो लेटेस्ट NTA सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नई टेस्ट सीरीज बना रहे हैं उनके साथ आप गो थ्रू करो। तीसरी चीज है, उसके अंदर क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट तरीके होने चाहिए।
assertion reason होने चाहिए, critical thinking question होने चाहिए, statement based question होने चाहिए, which of the following is correct, not correct ये होना चाहिए, और one liner question होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड चल रहे हैं नीट के अंदर, लाइक नीट 2021 आप देख लो पेपर, नीट 22 देख लो, नीट 2023 देख लो, सबके अंदर सेम यही पैटर्न है। मैं सारे पेपर फॉलो कर रहे हैं, मैंने सारे पेपर देखे हैं, तो मुझे पता है कि इसके अंदर से कैसा पैटर्न आ रहा है, और आगे भी यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। वो वन लाइनर वाला पैटर्न खत्म हो चुका है, जिसमें सिर्फ पूछते थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनीमिया, ऐसे क्वेश्चन जो आते थे वो अब नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये आपको टोटल मैंने समझा दिया है। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनको छोड़ के मत जाना आप, बिकॉज कोई भरोसा नहीं है एनटीए का। आप मान के चलो दो से तीन क्वेश्चन आप मान के चलो डिलीटेड टॉपिक्स से आने वाले हैं, तो ऐसी टेस्ट सीरीज अपन को चूज करनी है जिसके अंदर डिलीटेड टॉपिक्स के भी क्वेश्चन हों, प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड हो और टॉपिक वाइज वेटेज हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो अपने कोई एसएचएम ले लिया, तो एसएचएम में ऐसा नहीं है कि हर जगह से क्वेश्चन आते हैं, एक प्रॉपर बैलेंस पेपर आता है जिसके अंदर बताते हैं कि भाई इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइक वेव थ्योरी की अपन बात करते हैं, तो वेव थ्योरी में आपको पता है डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आता है हर साल, तो आपको डॉपलर इफेक्ट वाला क्वेश्चन मिल जाए। मतलब जो आप समझ रहे हो मेरी बात, जो क्वेश्चन कॉमन है जो ट्रेंड में आता है वही अपन को पैटर्न करना, ये नहीं कि टॉपिक वाइज है तो पूरे पैटर्न कोई भी चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन उठाकर रैंडमली दे दिया, ऐसे नहीं। जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो ट्रेंड सेटर क्वेश्चन है वही अपन को करने हैं, जिससे आपका एक पूरा माइंड फ्रेम बनेगा और आप उसी तरह आगे बढ़ पाओगे इन लास्ट 100 डेज के अंदर, ठीक है। और पेपर का डिफिकल्टी लेवल हो आपको मैं बता दूं, लास्ट 2-3 ईयर्स से क्या पैटर्न चल रहा है कि लाइक जैसे जब मैंने पेपर दिया था उस समय बायोलॉजी लेंदी थी, फिजिक्स इजी थी, केमिस्ट्री टफ थी, तो ऐसे हर साल दो सब्जेक्ट इजी आती है और एक सब्जेक्ट टफ आती है, तो आपको उसके लिए माइंडली प्रिपेयर रहना है, अपने आप की मेहनत को और इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया, टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया। आप कोशिश करो कि आप 3.5 आवर का पेपर को 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट करो, ताकि आपको जो 20 मिनट है वो बफर में मिले और आप उस 20 मिनट को जो क्वेश्चन आपसे नहीं आते हैं उनको भी कर सको, ठीक है। ये मैंने टोटल पूरा समझा दिया आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सी होने वाली है ऑल टाइम की, जो मैंने यूज करी थी कहीं से। जो देखो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लाइक मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैंने भी कहीं ना कहीं से क्या करता था, मैं जब टेलीग्राम पे जाता था, टेलीग्राम से वो पेपर निकालता था उस टेस्ट सीरीज के जो मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर उनको मैं प्रिंट आउट करवा के मैं घर पे पेपर देता था, क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। और जो अफोर्ड कर पाता है मैं उससे यही कहूँगा कि ये आप इस समय आप पैसे मत देखना, इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नीट की तैयारी। अगर आपने इस समय 100-200-500 रुपये के चक्कर में आपकी नीट की तैयारी को एक साइड रख दिया, तो वो पैसे कोई मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। जो लग रहे हैं लगने, तो लास्ट टाइम में आपको बिल्कुल अपना 100% दो, तो एग्जाम टाइम पे बिल्कुल आप ये मत सोचो कि मेरे 50 रुपये इधर लग रहे हैं, 50 रुपये उधर लग रहे हैं, नहीं, ये मैटर नहीं करता। मैं वर्थ है, ये वर्थ इट पैसे है, मैं सही बता रहा हूँ। लास्ट टाइम पे भी मैंने यही करा था, जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो पापा कहते थे कोई दिक्कत नहीं, तो ले ले जो भी चाहिए तुझे जरूरत है, तो मैं ले लेता था, और फाइनली एट द टाइम ऑफ नीट रिजल्ट वो चीज़ वर्थ इट हुई। और मुझे आज रियलाइज़ होता है कि हाँ, मैंने जो करा वो सही करा, लास्ट टाइम पे पैसे नहीं देखने चाहिए। टेस्ट सीरीज हुई, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, मिनिमम आप जो मैं बताऊँ उनमें से दो अफोर्ड कर लेना, टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा सही है और ज़्यादा रीजनेबल रेट है, ज़्यादा हाई भी नहीं है, और इसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। मैं प्रॉपर आपको वो बता रहा हूँ एक भाई की तरह, एक आपको सीनियर की तरह, ठीक है, तो आप उस चीज़ को समझें। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने टेस्ट सीरीज पूरी करी थी वो थी आकाश के, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, लिटरल के FST जो टेस्ट होते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैंने खुद ने वो पेपर करे थे और लिटरली मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वो पूपर जो उनका प्रेफरेंस था पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, और वो सालों से पेपर बना रहे, तो पूरा उनको एक आइडिया है कैसे, उनका फिर आंसर भी मिल जाता था मुझे, तो मैं ऐसे करता था। उसके बाद एलन की टेस्ट सीरीज, जो इनके मेजर टेस्ट सीरीज चलती है, इसको आप अगर DLP ले सकते हो तो ले लो, बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज आती है DLP, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और कई क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं नीट के अंदर, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज बहुत प्यारी टेस्ट सीरीज है, मैंने खुद ने न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज पर्सनली यूज़ करी है, पर्सनली मैं पेपर देता था, टेलीग्राम से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवाता था, और बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। और लास्ट है नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस है उसके अंदर, बहुत अच्छा है। तो आप ये चारों टेस्ट सीरीज, इनमें से आप कोशिश करो कि कम से कम एलन की और न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाली है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत हेल्प होने वाली है, मैं खुद इनको ज्वाइन करता था, ठीक है। तो ये टोटल मैंने आपको समझा दिया, वीक में कम से कम 2 पेपर लगाएं आप, और इन सब की टेस्ट सीरीज आपको टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। आपके पास अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप वहाँ से लो, बिल्कुल एक भाई की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ये कोशिश करो। नीट का टाइम सिलेक्शन आपको निकालना है, आपको आपकी मेहनत करनी है, और मुझे पता है तुम कर लोगे, अगर आप चाहते हो कि नीट पे सिलेक्शन हो तो आप कर लोगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2024। ऐसे ही वीडियोज़ अगर कोई कमेंट हो, क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए ज्वाइन कीजिए,
और मेरे से पूछ सकते हो पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी. मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024.